यूपी के योगी की पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। दरोगा ने दो युवकों को धमकाकर रिश्वत वसूली है, लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि रिश्वत के 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। यूपी पुलिस के दरोगा का यह कारनामा सबके सामने तब आया जब पीड़ित युवकों ने इस घटना की जानकारी अपने रिश्तेदारों को बताई। दरअसल साहनी गेट थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में काम करने वाला युवक अपने साथी के साथ शास्त्री नगर आया था। वहीं किसी बात को लेकर कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे शास्त्री नगर चौकी के दरोगा ने उन्हें पकड़ लिया और चौकी ले आए। फैक्ट्री कर्मचारी का कहना है कि उन्होंने खुद को बेकसूर होने का हवाला देते हुए छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन दरोगा नहीं माना। युवकों ने दारोगा पर आरोप लगाया है कि उसने जेल भेजने तक की धमकी दे डाली, उससे और उसके साथी से रिश्वत मांगी। जेब में पैसे न होने की बात कहने पर दारोगा मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने लगा। इस पर फैक्ट्री कर्मचारी ने अकाउंट में ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करने की बात कही, जिस पर दारोगा सहमत हो गया। युवकों के अनुसार दरोगा ने अपने परिवार की महिला के खाते से 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, जिसका स्क्रीनशॉट उनके पास है। जब तक युवकों के रिश्तेदार चौकी पहुंचे, तब तक दरोगा ऑनलाइन रिश्वत ले चुका था। वहीं इस मामले में एसएसपी का कहना है कि ये जांच का विषय है, अगर जांच में आरोप सही मिले तो दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।